आज मेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जब हम प्राइम प्रो में कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है। इस एरर का समाधान कैसे करें, चलते हैं वीडियो की ओर। जब हम इफेक्ट में जाकर वीडियो ट्रांजिशन में जाते हैं और इसके अंदर प्रेशर वीडियो पर क्लिक करते हैं, इस कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जब इसको चलाते हैं तो एरर आ जाता है। इसमें लिखा हुआ आता है कि द इफेक्ट रिक्वायरमेंट जीपीयू एक्सेलरेशन। इस एरर का सॉल्यूशन कैसे करें, ये एरर हमारे जीपीयू की तरफ से आता है। इसे सही करने के दो तरीके के बारे में बात करेंगे। इसमें दोनों तरीके एक ही है, लेकिन अगर पहले तरीके से समाधान नहीं होता है, दूसरे तरीके को यूज करने से इसका समाधान हो जाएगा। इसका पहला तरीका यह है कि आपको फाइल में जाना है और नीचे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर जनरल पर क्लिक करना है। मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली पर क्लिक होगा। इसे आपको कोडा में सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। जो हमारे सामने एरर आ रहा था वह एरर चला जाएगा। पहले तरीके से समाधान नहीं होता है, तब आप दूसरे तरीके का उपयोग करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। के यहाँ पर कोडा का ऑप्शन नहीं है या आपके पास कोडा इंस्टॉल नहीं है, तो आपको अपने ग्राफिक कार्ड के लिए कोडा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमें गूगल में जाकर एनवीडिया टाइप करके एंटर कर देना है। एनवीडिया पर क्लिक कर देना है। एनवीडिया की मेन साइट ओपन हो जाएगी, पर ड्राइव पर क्लिक करना है। इसे ओपन होने के बाद ड्राइवर्स में कोडा के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और विंडोज़ का दिखा रहा है। पास अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसमें जितनी बिट होती है उस बिट का दिखा रहा है। अधिकतर अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं वह 64 बिट में ही आते हैं, इसलिए इसको ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है। विंडोज़ 10 है तो आप 10 पर क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉलर टाइप में एक्स नोकल पर क्लिक कर दीजिए। फिर सामने डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है और स्टार्ट कर देना है। इसमें स्पीड आपके कंप्यूटर पर और नेट स्पीड पर निर्भर करती है कितना टाइम लगेगा। जब आपकी ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद ओके कर देना है, तब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग जाएगा। दोस्तों, पहले ये सिस्टम में चेक करेगा कि ये इसके लिए अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद आपके सामने एग्री का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एग्री पे क्लिक कर देना है, कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटे पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।